रहिका प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई। इजरा पंचायत के सद्धारा गांव के अलावा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगह पर कपिलेश्वर, रहिका, बलिया, सद्धारा, भवारा, शंभुआर, कई टोला पर मां वैष्णो नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सतधारा गांव में 251 कुमारी कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मां वैष्णवी के दरबार से कमला नदी के लिए प्रस्थान किया। कुमारी कन्याओं ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में भाग ली और कमला नदी में विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर कलश भर कर निकाली गई। परिभ्रमण करते हुए माता रानी के दरबार के लिए प्रस्थान कर माता रानी के दरबार में कलश लेकर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर माता रानी के दरबार में कलश स्थापना किया गया। इस कलश शोभा यात्रा में कुमारी कन्याओं के साथ हजारों की संख्या में देवी भक्तों ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा में माता रानी के जयकार से वातावरण गूंज रहा था। बताते चले कि यह पूजा 10 दिवसीय मनाया जाता है। उसमें माता रानी का 10 दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। संध्या में भजन कीर्तन आरती का भी आयोजन किया जाता है। आरती में भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर माता रानी की आरती में भाग लेते हैं। साथ ही यहां पर पूजा कमेटी के द्वारा मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेला में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के सामान, ब्रेक डांस, मीना बाजार, मिठाई की दुकान, बच्चों के खिलौने, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा रंगारंग कार्यक्रम की भी आयोजन किया जाता है। कितने कुमारी कन्याओं के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई है? 251। यह पूजा आज कलश स्थापन है, कितने दिनों का पूजा है? 10 दिन का पूजा है। 10 दिन का। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह शास्त्री। और ये पूजा कहाँ हो रहा है? सतघारा वैष्णवी दुर्गा स्थान सतघारा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।